बिजनौर में देर रात पुलिस और 2.5 लाख के इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश आदित्य राणा इलाज के दौरान ढेर हो गया। पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कुख्यात इनामी बदमाश आदित्य राणा 23 अगस्त 2022 को शाहजहांपुर ढाबे से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था। तभी से पुलिस व क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में जुटी हुई थी। बीती रात सियोहारा के बुढ़नपुर में सर्विलांस टीम को बदमाश की लोकेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आदित्य राणा को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से आदित्य घायल हो गया। 11-12 अप्रैल की मध्यरात्रि को बिजनौर पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था। इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।